Albino red eye DNA male, ring number 18, into parblue split eno DNA female, ring number 26. और ये जो अल्बाइनो रेड आई है ये कन्फर्म फिशरी है, जिसकी वजह से आगे जाकर जब पार्बलू स्प्लिट इनो दोबारा निकलेंगे तो उनपे मास्किंग नहीं आएगी। तो ये कैसे कन्फर्म हुआ कि ये फिशरी है? क्योंकि जब अल्बाइनो को यानी इसके माँ बाप को जब आपस में लगाया गया तो जितने भी फिशरीज निकली हैं कन्फर्म फिशरी मास्किंग में, कोई ब्लैकनेस नहीं थी उनमें। अल्बाइनो रेड आई फिशरी डीएनए मेल, रिंग नंबर 27 into single factor misty parblue split eno DNA female, ring number 22. इसमें से भी जितने भी आपके पास आगे फिशरीज निकलेंगे कन्फर्म फिशरी मास्किंग में, कोई मास्किंग वगैरह नहीं होगी, तो इसमें से क्रीमिनो भी निकलेंगे, पाब्लू स्प्लिट इनो भी, अल्बाइनो भी। आपको पेयरिंग का बेहतर पता है, बार बार वो दोहराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बर्ड्स अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई है और ये दोनों फिशरीज के अंदर, ये पर्सन आर्टिस नहीं है। तो जो भाई क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग करना चाहता है, कि अगर आपके पास पार्बलू अपलाइन स्प्लिट इनो है या क्रीमिनो स्प्लिट अपलाइन है या लटीनो अपलाइन स्प्लिट ब्लू है, तो उनको इसके साथ लगाएं। ये दोनों बर्ड्स बहन भाई हैं, रिंग नंबर 25 मेल है, 23 फीमेल है। इनको आपस में भी लगा सकते अगर लगाना चाहें, लेकिन जोड़ा तोड़ दें। ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो डीएनए मेल, रिंग नंबर 16 इंटू पाब्लू फिशरी स्प्लिट इनो, रिंग नंबर 20 डीएनए फीमेल। इन दोनों को आपस में लगाएंगे तो आपके पास क्रिमिनो भी आएगा, अल्बाइनो रेड आई भी आएगा, ब्लू फिशरी भी आएंगे, पाब्लू फिशरी भी आएंगे, और वह पॉसिबल स्प्लिट इनोज होंगे। और याद रखना, जो रेड आई बर्ड इन दोनों में से निकलेगा वो आपका फिशरी में होगा।